नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24x7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने आज इटावा जनपद के बेड़पुरा विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख श्री गणेश राजपूत जी से की खास मुलाकात। गणेश जी ने बताया कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हो रही हर मोर्चे पर मजबूत। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाया गया है। हमारा शोषित पीड़ित हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में पूर्ण बहुमत से पुनः बनेगी भाजपा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन 24x7। आज हम आए हैं इटावा जनपद के विकासखंड बड़पुरा में। आज हमारे साथ उपस्थित हैं गणेश राजपूत जी, ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो आपके ब्लॉक के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने जो आपको चुना है ब्लॉक प्रमुख, आप हमारे चैनल के माध्यम से उनका आभार कैसे प्रकट करना चाहेंगे? न्यूज 24x7 के माध्यम से विकासखंड बड़पुरा के समस्त जनता जनार्दन, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिस तरीके से उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, उस भरोसे को खरा मानकर उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं होंगी उनको प्राथमिकता से लेकर कार्य कराया जाएगा। सर, यही बात कर लेते हैं, जो अभी चुनावी रण चल रहा है 2022 का, सर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं नेता है, सर आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो आप जनता से जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं या आपने कौन कौन से कार्य ऐसे कराए जिससे जनता आपको दोबारा से वोट करे? भारतीय जनता पार्टी जी, चाहे मोदी जी की सरकार हो और प्रदेश में योगी जी की सरकार, योगी जी की सरकार के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का मामला हो, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, बहुत सी तमाम योजनाएं हैं जो धरातल पर चल रही हैं। सबसे बड़ी बाबा जी की सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं चली थी, बिल्कुल खत्म है। लोग भयमुक्त शासन चाहते हैं, वो बाबा जी दे रहे हैं। सर, जैसे आप किसान की बात कर रहे थे, आपने देखा होगा कि आजकल आपकी पार्टी के ऊपर से बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, किसान बहुत परेशान है। सर, किसान का मानना ये है, किसान सर दिन में क्या करता है कि दिन में काम करता है, रात में गायों को रगाता है, और अभी आपने देखा होगा एक या डेढ़ महीने पीछे हम लोग जाते हैं तो जब बुआई का समय चल रहा था उस समय सर क्या हुआ था, किसान चार दिन सर खाद के लिए लाइन में लगा था। आपको क्या लगता है सर, ये सही रहा है गलत? प्रदेश में योगी जी की सरकार 2017 से चल रही थी, 2017 में खाद की दिक्कत नहीं हुई, 18 में दिक्कत नहीं हुई, 19 में दिक्कत नहीं हुई, 20 में जब से कोरोना काल हुआ है फैक्ट्री उत्पादन कम हुआ, उत्पादन की वजह से खाद में थोड़ी किल्लत हुई, लेकिन हम लोगों ने मैनेज करके ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई जहाँ किसान ज़्यादा परेशान हुआ। पिछली सरकारों में आपने देखा होगा कि लाठियाँ चलती थी, इस सरकार में लाठी नहीं चली। सर, आप यही बात कर लेते हैं सर, बेरोजगारी सर ऑफ द रिकॉर्ड अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है। सर, बेरोजगारी का अपने प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, बेरोजगारी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर, जो सत्ता विपक्ष आपकी पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगाता है कि आपने रोजगार नहीं दिया? पिछली जितनी भी सरकार रही उनसे कई गुना हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने प्रदेश में 4.5 लाख भर्तियां करी है। हमने 2015 की पुलिस भर्ती को 2018 में 45,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती को लागू किया। हमने पंचायत स्तर पर पंचायत सहायक, हम लोगों ने पंचायत स्तर पर 2-2 नौकरियां दी हैं, और हम लोगों ने शिक्षक की भर्तियां भी करी हैं। आप लोग रिकॉर्ड निकाल के देख लें, अपने प्रदेश में 4.5 लाख की भर्तियां करी हैं। सर, आप बात कर लेते हैं महंगाई, सर जनता त्रस्त है, सर जनता और विपक्ष का आपकी पार्टी में बहुत बड़ा आरोप रहता है कि महंगाई सर पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, सर डीएपी भी महंगी हो गई, जो भी मूलभूत सर सामान होते हैं सारे ऊपर महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई ऊपर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वर्ष प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ती रहती है। जैसे आपने देखा होगा 60 रुपए से, मैंने देखा है जब मजदूरी 60 रुपए थी, आज मजदूरी 350 रुपए है। लोग कहते हमने 50 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदा, 80 रुपया है, यानी अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से उसकी आय भी बढ़ रही है। सर, आप पार्टी के एक सक्रिय नेता और कार्यकर्ता हैं, सर आपसे हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, सर अभी आपने देखा होगा 10 या 15 दिन से आपने देखा होगा राजनीतिक भूचाल सा आया होगा, बहुत से मतलब पार्टी विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए, आपने सर देखा होगा काफी लोग इधर से उधर जा रहे हैं, इन लोगों के जाने से आपको क्या लगता है सर, जो इलेक्शन 2022 के परिणाम पे कुछ बड़ा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा?
भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक पार्टी है, हमारी पार्टी बूथ स्तर पर इतनी मजबूत है, हमारी पार्टी का कार्यकर्ता कर्तव्यनिष्ठ है, वो कर्तव्य करने में माहिर है, वो पन्ना प्रमुखता हम लोग पहुंच चुके हैं। सर आपके विकास खंड में क्या सर आप बताना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन कितने परसेंट हुआ है और स्वास्थ्य क्षेत्र में नजर जागरूक करें? हमारे विकास खंड बड़पुरा जी हमने डॉक्टरों से भी जानकारी करी है, पंचायत स्तर में प्रधानों से भी बातचीत करके लगभग 90% हर पंचायत में वैक्सीनेशन हो चुका है जी। सर आप बात कर लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आपने सर देखा होगा खास के सेकेंड कोविड की जब वेव आई, अभी भी थर्ड रिसेंटली थर्ड वेव चल रही है ओमिक्रॉन वाली, सर हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे फर्स्ट और सेकेंड वेव के दौरान आपने देखा होगा 10th 12th ग्रेजुएट जितने भी स्टूडेंट थे सर प्रमोट करने लगे, आपको क्या लगता है सर आप भी युवा हैं सच्चे थे, आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे जो सर दुर्गा में इनका भविष्य होगा उस पर कुछ फर्क पड़ेगा या क्या नहीं? देखिए हम ये कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम लोग विद्यालय चालू रखते तो ये कंट्रोल होना मुश्किल था, और रही बात शिक्षा के क्षेत्र में योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली, अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट क्वालिफाई करेगा उसकी योग्यता उसी टेस्ट के आधार पर हम लोग पता चल जाएगी उसके आधार पर नौकरी मिलेगी। सर आपसे एक बहुत अहम सवाल सर, 10 मार्च 2022 को जिसकी यूपी की जनता को इंतजार है परिणाम का, सर आपको क्या लग रहा है आपकी पार्टी और आपका पर्सनली आकलन क्या है, आप 10 मार्च 2022 को अपने आप को किसे कह पा रहे हैं? देखिए योगी जी की प्रचंड बहुमत में 2022 में सरकार बनने जा रही है, आप लोग इसके भी साक्षी बनेंगे, 10 मार्च आने दीजिए और होली हम लोग मनाएंगे तब आपको फिर से हम याद देंगे। सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं सर जो अभी ओमिक्रॉन सर जो रिसेंटली चल रहा है, आप ये बताइए अपने वार्ड में अपने जो आपके ब्लॉक के जितने भी सर जितनी भी जनता है या ब्लॉक की विधानसभा तो सक्रिय रहते हैं सर, आप उनका बचाव करें आपने कौन कौन सी तैयारी इस प्रेजेंट कर रखी है जिससे उनका बचाव करेंगे? हम लोगों ने पार्टी स्तर पर भी कोरोना के कोरोना योद्धा चिन्हित किए हैं, लोगों को घर घर जागरूक कर रहे हैं, हाथ धोइए बार बार, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए, हमारे पार्टी के द्वारा और हमारे विकास खंड में जो सामुदायिक केंद्र CSC पर भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को कोरोना से बचने के लिए, लगातार कैंप भी लगाए हैं, यही बचाव। हमारे साथ उपस्थित थे गणेश राजपूत जी ब्लॉक प्रमुख बड़पुरा से, उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया 10 मार्च 2022 को इसकी यूपी की जनता को इसका इंतजार है, भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत से करेगी वापसी। धन्यवाद।